कम उम्र के नाबालिग बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई। पकड़े गए बच्चों को दी समझाइश, मास्टर साहब की तरह उठक बैठक करवाई, परिजनों को बुलाकर बच्चों को किया उनके हवाले। पुलिस बनी मास्टर साहब, बच्चों से लगवाई कान पकड़कर उठक बैठक, गलत काम ना करने की दी समझाइश, पेरेंट्स को बुलाकर बच्चों को किया उनके हवाले, कम उम्र के नाबालिग बच्चों को नशे से दूर रखने पुलिस ने की कार्रवाई। पकड़े गए बच्चों को दी समझाइश, मास्टर साहब की तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई, परिजनों को बुलाकर बच्चों को उनके हवाले किया। रीवा पुलिस ने एक अभियान चला रखा है इन दिनों। वह शाम होते ही बदनाम शुदा होटलों की निगरानी के लिए लगातार पहुंच रही है। यहां पर वह उन बच्चों पर नज़र रख रही है जो कम उम्र के हैं, किसी तरीके के नशे में आ जाते हैं। पुलिस चाहती है, परीक्षाओं का दौर है, बच्चे घर में रहकर पढ़े लिखें, पेरेंट्स को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बच्चे शाम को कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, अगर पेरेंट्स ऐसा करें तो उनके बच्चे नशे से दूर रह सकते हैं। पुलिस भी लगातार अभियान चलाकर बच्चों को अवैध गतिविधियों से दूर रखने का अभियान चला रही है, जिसके चलते रीवा शहर पुलिस इन दिनों इलाके के दूरदराज होटलों में भी पहुंच रही है, होटलों की तलाशी ले रही है, अवैध गतिविधियों पर नज़र रख रही है, मास्टर साहब की तरह बच्चों से कान भी पकड़वा रखी है, आगे इस तरीके की गतिविधि से दूर रहने की बात कह रही है, साथ ही पेरेंट्स से भी अपने बच्चों पर नज़र रखने की गुजारिश कर रही है। पूरे मामले को लेकर हमने CSP रीवा शिवाली चतुर्वेदी से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। जी हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर हमारे थाना प्रभारियों द्वारा और हमारे थाने के स्टाफ द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं इसमें। और इसमें जहाँ जहाँ पर लड़कों का जमावड़ा लगता था, काफ़ी जगह से सूचनाएँ आ रही थी कि यहाँ बैठ के नशा करते हैं, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पर चेक किया, सर्च किया, उसमें बहुत मात्रा में नाबालिग लड़के भी पाए गए हैं, जिनको मौके पर समझाइश भी दी गई है और परिजनों को बुलाकर उनको सुपुर्द भी किया गया है, और साथ ही जो दुकान संचालक हैं इस प्रकार के, उन पर कार्रवाई भी की गई है। पहले भी कुछ कार्रवाई की गई थी? जी हाँ, ये कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं और अभी भी वर्तमान में जारी हैं, और इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रही हैं। जी हाँ, इस पर हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आगे जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पर भी हमारी टीम जाएगी। और इसमें मैं अपील भी करना चाहूँगी, रीवा की जो जनता है वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। आजकल नाबालिग बच्चे बहुत ज़्यादा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं वो अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखें कि वो रात के समय में कहाँ जाते हैं, किन दोस्तों से मिलते हैं, कैसी उनकी संगत है, क्योंकि नशे की लत फिर एक तह तक उसको अपराधी बना के ही छोड़ती है, और इससे ना केवल माता पिता को नुकसान होता है बल्कि समाज को भी नुकसान भुगतना पड़ता है।